Hello everyone, I am Avinash Shivam. I got All India rank 99 in NIMCET exam, and currently I am in NITK Suratkal, and I am here to give description about MCA, that is Master of Computer Application. And is my friend Rahul got 89 rank in NIMCET exam, and he is my roommate, and he is also in NITK Suratkal. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि MCA है क्या, MCA क्यों ज़रूरी है. तो MCA स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. ये एक PG डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. एंड MCA अब है कि ज़रूरी क्यों है. तो हम लोग के लाइफ में एक आया था इवेंट इन ये 12th के बाद सही डिसीजन लेने का, कि हम अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर सके, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके. अगर हम वो वाला मौका अगर चूक गए हैं तो ये एक MCA जो है जिसके थ्रू हम अपने लाइफ को एक नई नया ऊंचाई दे सकते हैं. तो अब उसके बाद है कि MCA वाट हो गया और MCA करना कहाँ से चाहिए. MCA के लिए कोई सबसे फर्स्ट ये जानते हैं कि MCA कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं. तो इसमें इसका कुछ एक मीन्स रैंकिंग है कि कहाँ कहाँ से हम MCA कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट MCA में जो सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा एग्ज़ाम है वो है NIMCET. सेकेंड एग्ज़ाम है HCU. थर्ड है आपका पुणे यूनिवर्सिटी, फिर JNU है, BHU है, VIT है, BIT है, और TANSET है. तो सबसे जो अच्छा एग्ज़ाम है NIMCET. अब हम NIMCET को अच्छा क्यों कह रहे हैं. NIMCET को हम अच्छा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि NIMCET जो एग्ज़ाम है इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेज है NIMCET के एग्ज़ाम में वो NITs हैं. मीन्स ये हम लोग इंडिया में 10 NIT है, जो 10 NIT मिलके NIMCET एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है. तो इसका जो कंडक्ट करवाता है वो NIT है. सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग. सेकेंड थिंग ये कि इसमें अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको NIT में पढ़ने का मौका मिलेगा, और फिर आगे बताएंगे कि NIT में पढ़ने का क्या बेनिफिट्स है ये सब. तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग करना है NIMCET एग्ज़ाम पे. तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है वो 10 NIT है. 10 NIT में जो सबसे फर्स्ट रैंकिंग जो रैंकिंग का कॉलेज है, मीन्स 10 NIT है. हर NIT की अपनी अलग अलग रैंकिंग है. तो उस रैंकिंग में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है NIT त्रिची. सेकेंड नंबर पर आता है NIT सूरतकल. तीसरे नंबर पर आता है NIT अलाहाबाद. चौथे नंबर पर आता है NIT वारंगल. पाँचवें नंबर पे आता है आपका NIT कलिकट. छठे नंबर पे आता है NIT भोपाल. सातवें पे आता है आपका NIT जमशेदपुर. आठवें पे आता है NIT कुरुक्षेत्र. और नाइन्थ नंबर पे आता है NIT रायपुर. और दसवें पे आता है NIT अगरतला. तो हम ये रैंकिंग किसके बेसिस पे बनाई गई है. सबसे फर्स्ट तो हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हैं, फॉर प्लेसमेंट्स. और ये प्लेसमेंट के अनुसार ही रैंकिंग बनाई गई है. क्यों तो त्रिची को NIT तिरुचिरापल्ली को सबसे ऊपर सबसे आगे क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया है कि यहाँ का प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हाई है. सेकेंड नंबर पे आता है सूरतकल, तीसरे पे. तो ये रैंकिंग जो बनाई गई है इस बेसिस पे बनाई गई है. तो इन सब NIT के एग्ज़ाम तो और सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पुणे हुआ, JNU हुआ, BHU हुआ, HCU हुआ. तो लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है, जहाँ से पढ़ने के बाद आपको इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा कि क्यों मैंने BTEC नहीं कर लिया, वो एग्ज़ाम है NIMCET एग्ज़ाम है. तो मैं NIMCET के बारे में आपको और फर्दर बताता हूँ कि NIMCET एग्ज़ाम वो मई लास्ट में होती है हर साल. इसको हर NIT को दो दो साल का इसमें मिलता है कि आप मीन्स एग्ज़ाम करो. ये इस बार का था कि ये एग्ज़ाम जो करवा रही थी वो करवा रही थी NIT सूरतकल. तो NIT सूरतकल इस बार कंडक्ट कर रहा है एग्ज़ाम. तो अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसमें 827 सीट होती है. और NIMCET एग्ज़ाम के थ्रू ही HCU में भी एडमिशन मिलता है. HCU स्टैंड फॉर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी. तो अब सीट्स हो गए 827. अब आगे बताते हैं कि इसमें ये NIMCET के लिए प्रिपरेशन कैसे करें. तो NIMCET जो प्रिपरेशन है इसमें जो सिलेबस है इसका, इसमें सिलेबस में चार चार मेन सब्जेक्ट है. सबसे फर्स्ट है मैथ्स,
सेकेंड सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, थर्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर और फोर्थ सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो पूरे निम्सेट के पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो 120 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। तो इसमें जो और सिर्फ एग्जाम की तरह ये नहीं है, इसमें है कि हर सब्जेक्ट का अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स अलग अलग है। जैसे कि मैथ्स के एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 12 नंबर मिलेंगे, कंप्यूटर के एक सही करने पे आपको 8 नंबर मिलेंगे, रीजनिंग के एक सही करने पे 6 नंबर और इंग्लिश के सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आपका 50 क्वेश्चन मैथ्स का इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 600 हुआ, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हुए आपके तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 240, तो 600 और प्लस 240 840 और फिर आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हुए तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन को अब 8 से मल्टीप्लाई किए तो 80, तो 640 इधर हो गए और इधर हो गए आपके 840 और 80 920 और आपके 20 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के 4 मार्क्स के, तो टोटल हो गया ये 80 मार्क्स, तो टोटल हो गया 1000 मार्क्स का। मीन्स निम्सेट एग्जाम जो होता है वो टोटल 1000 मार्क्स का होता है और इसमें आपको किस किस तरह से नंबर मिलेंगे मैंने बता दिया कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें से सब क्वेश्चन का 12, इंग्लिश के 4 नंबर, कंप्यूटर के 8 नंबर और फिर एंड उसके बाद आप रीजनिंग के 6 नंबर। और जो निगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 का ही है, मीन्स अगर आप मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 3 नंबर माइनस होंगे, अगर आपके रीजनिंग के एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1.5 मार्क्स लेस होंगे, और आपका अगर इन कंप्यूटर के एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 मार्क्स माइनस होंगे और फिर आप और बस आपका इंग्लिश के क्वेश्चन को गलत करेंगे तो 1 मार्क्स होंगे, तो वो आपका हो गया 1000 मार्क्स। तो इसमें जो कट ऑफ है, कट ऑफ तो ईयर बाय ईयर वैरी करता है, जैसे कि इस बार जो निम्सेट का एग्जाम था तो उसका पेपर बहुत ज़्यादा हाई था, तो इस बार आपको इस बार कट ऑफ लो गया था, इस बार हाईएस्ट मार्क्स जो गया था वो 603 नंबर थे, वो 603 नंबर पे रैंक 1 आ गई थी, लेकिन ये ईयर बाई ईयर वैरी करता है। तो सब तो ऐसा नहीं कि इसको एक आइडियल मार्क्स मान लेना है कि ये 600 हो, ये एक इसके लिए आप एक आइडियल स्कोर जिसके लिए आप दिमाग में रख के जो प्रिपेयर करेंगे कि हमको अगर ये इतने मार्क्स होंगे तो मेरे कंफर्म है कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा, वो इसके लिए 750 to 800 मार्क्स है। अगर आप 750 से 800 मार्क्स के बीच में अगर आप कुछ मार्क्स लाते हैं तो आप मीन्स आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आप ये इसमें आपका निम्सेट के थ्रू जो भी कॉलेज 10 कॉलेज हैं NIT के उसके आप टॉप 4 कॉलेज में आप इजीली जा सकते हैं। और फिर इसके लिए अब दूसरा चीज़ डिस्कस करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें 12th के मार्क्स या 12th के में आपने क्या पढ़ा है, 12th में बस है कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड होना चाहिए, 12th में मैथ्स बैकग्राउंड होना चाहिए और ग्रेजुएशन में या तो आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड होना चाहिए, मीन्स या तो आप BCA किए हों या तो BSc IT किए हों या फिर आपने BSc मैथमेटिक्स से किया है, BSc फिजिक्स से किया है, मीन्स आपके 12th में मैथ्स एज ए एक सब्जेक्ट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मैथ्स एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12th में तो मार्क्स का कुछ नहीं है कि कितने मार्क्स आए, आप 3rd division है 2nd division उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे आपको कम मिनिमम जो NIMCET के लिए NIT के लिए वो 60%, अगर 60% से कम मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये आपने मैंने आपको बता दिया कि NIMCET की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप क्यों ज़रूरी है, कहाँ से आप कर सकते हैं, इसके लिए एग्जाम कौन कौन से, इसके लिए एग्जाम तो और सारे हैं, NIMCET का मैंने आपको बताया, तो NIMCET के थ्रू HU में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, फिर पुणे यूनिवर्सिटी है उसकी भी फॉर्म आती है, उसका एग्जाम फरवरी में होता है, फिर एक JNU है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी उसकी भी प्लेसमेंट अच्छी है इन सभी के बाद, उसके बाद BHU है, VIT है, BIT है और TAMCET है। तो मैं एक बार रैंकिंग को फिर से कॉलेज की रैंकिंग को क्लियरिफाई कर देता हूँ, सबसे ऊपर तो NIMCET आएगा, NIMCET मीन्स NIT अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो अगर आप एडमिशन लेना है तो कहाँ एडमिशन लो, सबसे फर्स्ट एडमिशन आप लोगे कि आप NITs में एडमिशन लो, सेकंड आप एडमिशन लोगे कि अगर NIT में नहीं निकला तो NIT के थ्रू ही एडमिशन होता है HU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें 60 सीटें हैं तो उसमें आप एडमिशन लो। सेकंड अगर इन दोनों में आपका नहीं होता है तो इसके बाद आपके आपके पास मौका है JNU में, उसके बाद इन तीसरे नंबर पे आता है JNU, चौथे नंबर पे आता है आपका BHU
और फिर यहाँ से आपका ये रैंक मीन्स थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन है लोगों के बीच में कि जो BHU है और एक है BIT मेसरा, तो उन दोनों में से कौन सा बेटर होगा MCA के लिए कौन सा बेटर होगा करना। तो अगर आप इकोनॉमिकली सक्षम हैं तो आप आंख बंद करके BIT मेसरा, अगर आपको BIT मेसरा कैंपस मिल जाता है, लालपुर कैंपस मिल जाता है, तो आप आराम से वहां पे जाइए। अगर आपके पास इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है तो आप BHU में जाइए, वहां की भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। और इसमें सिलेबस जो है, जो मैंने बताया मैथ्स कंप्यूटर रीजनिंग और इंग्लिश, तो इसमें सिलेबस क्या क्या है, इसमें मैथ्स का, अब पहले देखते हैं कि इसमें मैथ्स का सिलेबस क्या है। तो मैथ्स का सिलेबस सबसे पहले तो ये एक तरह से समझ जाओ कि आपने 12th में, अगर 12th में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, इसका आपका आप किसी BTech कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, मीन्स किसी भी IIT NIT से आप BTech नहीं कर पाए, तो आप नहीं कर पाए, तो इसमें जो मैथ्स का सिलेबस है सेम टू सेम BTech वाला है, आपको उसी लेवल के इसमें क्वेश्चन आएंगे। इट मे बी पॉसिबल कि उससे ज़्यादा लेवल के भी मैथ्स के क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जो ध्यान में रख के इसका तैयारी करना है कि ये नहीं कि वो MCA है कुछ नहीं ऐसे ही हो जाए, ऐसा बात नहीं है। आपको जो मैथ्स है, तो मैथ्स जो आपका इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स, आप वही मैथ्स आप है, केवल उसमें से आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दो और 3D हटा दो, तो 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर और 3D हटा के मैथ्स का जो भी पोर्शन बचता है, तो वो उसका एडवांस लेवल का अगर तैयारी करोगे तभी जाके आप NIMCET क्रैक कर पाओगे। तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि 12th में क्या क्या पढ़ते हैं, तो एक बार हम ऐसे ब्रीफ कर देते हैं। तो सिलेबस में है सेट थ्योरी है, ट्रिगो है, प्रोबेबिलिटी वेक्टर है, है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, कैलकुलस है। समझ लो कि पूरा का पूरा आपको अलजेब्रा पढ़ना होगा अच्छे से, कोऑर्डिनेट पढ़ना होगा अच्छे से, उसमें से बस 3D ज्योमेट्री आपको हटाना है, और इधर अलजेब्रा में देखा जाए तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है। ये दोनों हटा के आपको सभी चीज़ों की एडवांस लेवल से पढ़नी होगी, उसके लिए कुछ बुक्स भी हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने प्रिपरेशन किया था, मैंने जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया था जिस बुक के, वो था एक तो आता है मैथ्स का RD शर्मा। RD शर्मा इज द बेस्ट बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NIMCET। RD शर्मा का फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम, और RD शर्मा का एक चीज़ मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। मैं जब BCA कर रहा था तो उस बार भी मैंने NIMCET का एग्जाम दिया था, लेकिन उस बार एक्चुअली मैं तो क्रैक नहीं कर पाया था। मैं उसके पीछे रीज़न क्या, मैं रीज़न बता देता हूँ। रीज़न से एक फ़ायदा होगा कि तुम लोग वो गलती नहीं करोगे, आप लोग वो गलती नहीं करोगे। तो मैंने उस समय गलती ये करी थी कि मैंने जो RD शर्मा का जो एक्सरसाइज होता है, केवल मैंने केवल एक्सरसाइज बनाया था, केवल एक्सरसाइज, लेकिन बाद में मेरे को पता चले कि RD शर्मा का जो एक्सरसाइज होता है उससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन इसके इलस्ट्रेशन और उसके एग्जाम्पल में दिए गए रहते हैं। तो सबसे पहले तो एक RD शर्मा तो करो ही करो, RD शर्मा का इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल करो ही करो। फिर अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप मैथ्स 12th में थोड़ा वीक हैं, तो आपको एक पिकअप करने के लिए मैथ्स में क्या चाहिए, मैथ्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक बार कॉन्फिडेंट हो गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप, एक बुक आती है यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर की बुक, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर, वो बुक बहुत अच्छी है कॉन्फिडेंस लेने के लिए। उसके बाद आप करो RD शर्मा का जो फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम वो हो गया। फिर एक बुक आती है ML खन्ना। ML खन्ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ करने को उसका फर्स्ट वॉल्यूम, कि ML खन्ना में कुछ कुछ पोर्शन बहुत अच्छे दिए हैं, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा दिया है, उसमें मीन्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन इक्वेशन, ये सब बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है। फिर कैलकुलस का भी पोर्शन उसमें बहुत अच्छा कवर किया गया है। और ये तो हो गई मैथ्स, एक योर सेल्फ स्कोर, एक RD शर्मा का फर्स्ट सेकंड वॉल्यूम, एक हो गई ML खन्ना, और चौथी बुक, जब ये सब तुम कर लो तो चौथी बुक जो करना मस्ट है वो है TMH के बुक। और TMH के 5 ईयर के क्वेश्चन, तो उसमें जो 5 ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं EEE के, मेंस के, एडवांस के, वो तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन है आपके, मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, उसमें से आपके अगर नहीं सुनही भी, तो अगर ये अपना बुक कर लिया तो लाइन इस बुक के हूबहू कम से कम 25 क्वेश्चन तो छप ही जाने हैं, सीधा का सीधा 25 क्वेश्चन मैथ्स के छप जाएंगे आपके। फिर मैथ्स का सिलेबस तो आपका ये हुआ। मैथ्स के सिलेबस के बाद हम देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग में आपका है कि दो पार्ट है इसमें, क्वांटिटिव रीजनिंग भी आती है और वर्बल रीजनिंग भी आती है। तो क्वांटिटिव रीजनिंग में वो सारा का सारा पार्ट होगा, जैसे कि आपका प्रॉफिट और लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर, जो मीन्स एक बैंकिंग का जो सिलेबस है रीजनिंग में, वो आपको सारे के सारे तो करने ही करने हैं। फिर जो जो नन नन वर्बल सेक्शन है, उसमें जो मेन पजल है, मेन तो आपका हो गया, मेन आपका हो गया ये
मेन सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, तो ये सब मेन मेन चैप्टर हैं। इसके लिए मैंने जो बुक प्रीफर की थी, सबसे पहले एक बेस बनाते हैं, बेस बनाने मैंने भी इसके पहले रीजनिंग पढ़ा नहीं था क्योंकि मैंने कभी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की, तो मैंने पढ़ा नहीं था ये बुक। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मीन्स स्पीड लाने के लिए सबसे पहले आर एस अग्रवाल का जो आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल की बुक, वो और उसकी जो क्वांटा की आती है बुक क्वांटिटेटिव रीजनिंग आर एस अग्रवाल की, मैंने वो करी थी। उसके बाद जब ये बुक मैंने कर ली तो फिर टी एम एस की एक बुक आती है टेस्ट ऑफ रीजनिंग नाम से, मैंने वो करी थी। ये उसमें पजल वजल क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, वो तो करना ज़रूरी है सबसे, लेकिन पहले आर एस अग्रवाल का कर लो आप लोग। फिर एक क्वांटा के लिए मैंने की थी अभिजीत गुहा की बुक, अभिजीत गुहा की बुक भी क्वांटा के लिए बहुत अच्छी बुक है क्योंकि उसमें मीन्स क्वेश्चन बहुत कम दिए और अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिए। तो एग्जाम के जब जैसे एग्जाम मई में होता है तो अभी आपके पास समय है, अभी चल रहा है आपका अगस्त चल रहा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अभी आपके पास 5 महीने हैं। तो 5 महीने में सबसे पहले आप ये करो कि सेल्फ स्कोरर और कम से कम एक बार आर डी शर्मा मैथ्स के लिए ख़त्म कर लो। फिर आपके ये वर्बल और नॉन वर्बल के लिए आप ये वर्बल और नॉन वर्बल तो आप कर ही लो क्वांटिटिव रीजनिंग का, क्वांटिटिव वर्बल दोनों का। ये जब हो जाएगा तो क्या कहा था ये दूसरे रीजनिंग के लिए फिर जब मई ये जनवरी के बाद, जनवरी के बाद आप आर डी शर्मा तो प्रीफर करो, आर डी शर्मा बनाओ, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल बार बार बनाओ, और फिर टी एम एच को एकदम क्या कहें टीमेज का एक एक क्वेश्चन ही छूटना चाहिए, मीन्स एक क्वेश्चन चार बार पांच बार बन ही जाना चाहिए क्वेश्चन। और फिर जनवरी के बाद तुम बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ज़रूरी क्यों है, ये तो तुमने अपना पूरा का पूरा पढ़ लिया, लेकिन इसकी टेस्टिंग भी तो होनी चाहिए भाई कि तुमने क्या पढ़ा है। क्योंकि हम लोग ये एग्ज़ाम जो है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि एग्ज़ाम 120 मिनट की है, मीन्स 120 क्वेश्चन टोटल और 120 मिनट जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 रीजनिंग, 20 का इंग्लिश और 10 कंप्यूटर का, तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट तो ये 120 क्वेश्चन 120 मिनट है। तो आप एक सारे क्वेश्चन के लिए आप एक टाइम लिमिटेशन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो ये सब चीज़ आगे की चीज़ें मैं आगे और ये वीडियो लेकर मैं, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जनवरी के बाद, जनवरी तक तो ये पढ़ो, फरवरी में आप ज्वाइन करना, तो उस समय और वीडियो लेकर मैं बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इसका, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के कुछ नहीं है। क्योंकि खेलना सबको आता है, खेल में चैंपियन वही बनता है जो एक स्ट्रेटजी फॉलो करता है। तो पहले तो आप जानकारी ले लो सब चीज़ के बारे में, कि जो भी सिलेबस है मैथ्स का, जो मैंने सिलेबस बताया, जो रीजनिंग का सिलेबस है, जो बुक मैंने प्रीफेयर किया, वो सब आप कर लो। फिर सेकेंड चीज़ है कि प्रिपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए। देखो टाइम, अगले बार अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके पास समय कम है, तो समय कम है तो कम से कम एक दिन में तो मिनिमम 10 आवर तो एमसीए को देना ही देना होगा। आप उसके लिए आपको टाइम बांटना होगा। एक चीज़ ये नहीं है कि आप एक चीज़ कर लिए तो केवल मैथ्स ही मैथ्स पढ़े जा रहे, रीजनिंग को समय नहीं दे रहे, तो ऐसा होगा आप करोगे तो मैथ्स मैथ्स टाइम दे दोगे, लास्ट टाइम आपको टेंशन में रीजनिंग हो नहीं पाएगा। तो आप एक टाइम बांट लो कि मैथ्स मैं 5-6 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा। सबसे पहले मैथ्स इसका तरीका क्या पढ़ने का, सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट गेन करो कि अब कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप ट्रिगो हुआ तो ट्रिगो का जो भी पार्ट है तो उसका कॉन्सेप्ट गेन करो कि उसमें उसके उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट ले लो। उसके बाद सेकेंड चीज़ है, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, उस क्वेश्चन वोश्चन बनाने के बाद आपका हुआ ये मीन्स एक तो पूरा नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी टेस्ट सीरीज दोगे उसके लिए सबसे पास नॉलेज ज़रूरी है। उसके लिए अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं कि किसी भी कोई भी काम हम जो बेस तैयार करते हैं, वो बेस तैयार करते हैं सारा चीज़ समझ के जान के, तो वही समझना जानना है इसके सारे जो भी टॉपिक्स इसमें है वो करके, बुक्स करके, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो और रीजनिंग भी साथ साथ करते रहो, ये नहीं कि रीजनिंग छोड़ दो। रीजनिंग का एक पोर्शन है पजल, वो तो आपको ऐसे समझ लो कि 40 से 45 मिनट आप रीजनिंग करना ही करना है। उसके बाद ये तो आप प्रिपरेशन का तरीका, और हम ये निमसेट जो हम निमसेट कह रहे हैं, आप बोलोगे निमसेट क्यों 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 करें निमसेट, तो निमसेट हम इसलिए करें क्योंकि हम पहले बताए थे कोई भी आदमी कोई बंदा क्या चाहता है कि उसका प्लेसमेंट हो। तो प्लेसमेंट जो है प्लेसमेंट एनआईटी में एमसीए का बीटेक वालों से अगर तुम कंपेयर करो तो
तो कहीं से भी पीछे नहीं हटता है। मीन्स अगर आप MCA एक बार NIT से कर लो तो आपको कहीं भी ज़िंदगी में मलाल नहीं होगा कि आप मीन्स आपने BTech किया क्यों। अब राहुल है, इनको हम बताते हैं अभी हम लोग जब से आए हैं 15 दिन में, ये अब प्लेसमेंट का सीनियरियो बताएंगे आपको कि NITs में MCA के लिए प्लेसमेंट का सीनियरियोज क्या है, कौन कौन सी कंपनी आती है, क्या किस कैसा कैसा प्लेसमेंट मिलता है, मीन्स और इंटर्नशिप FT सबके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से आप क्या है इसका, क्यों NIT जरूरी है इसकी। हेलो एवरीवन, देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि हम लोग कोई भी कोर्स चुनते हैं तो हमारे जो माइंड में आता है वो सबसे पहला चीज़ यही आता है कि प्लेसमेंट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं वो सिर्फ प्लेसमेंट्स को ध्यान में रख कर पढ़ते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि अगर हम कहीं अच्छे जगह से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी होनी भी चाहिए कि प्लेसमेंट अच्छी हो। मैं यहाँ पर 15 दिन से हूँ NIT के सूरतकल में, मैं ऑलमोस्ट हर NIT का जानता हूँ कि वहाँ पर प्लेसमेंट किस हिसाब से गई है। तो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ NIT 3। वहाँ पे हर साल माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, और एकल भी आती हैं, सिस्को भी आती हैं, जो वहाँ पे मैक्सिमम पैकेज आपको 50 लाख 60 लाख तक आपको देकर जाएंगे। अगर त्रिची नंबर 1 पे प्लेसमेंट है तो उसके बाद सूरतकल आती है। मैं यहाँ पे सूरतकल हूँ, मेरे भी बहुत सारे सीनियर का प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें से हाल ही में अभी कुछ दिन पहले सिस्को आई थी, जिन्होंने 5 बंदे को दिया 35 लाख का पैकेज। और आपको पता है कि जो कि अच्छी अच्छी कॉलेज में BTech को नहीं मिलती है। तो अगर आप MCA कर रहे हैं वो भी NIT से कर रहे हैं, तो आप समझो कि आप BTech भी उसी कॉलेज IIT जिस तरह BTech कर रहे हैं उसी तरह से आप NIT से MCA कर रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ अगर यहाँ पे भी कंपनी आती है माइक्रोसॉफ्ट, अभी बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप लग भी चुका है, जो लोग सेकेंड ईयर में है, जैसे कि अभी हम लोग अभी फर्स्ट सेम है, जो लोग थर्ड सेम है उन लोग को भी इंटर्नशिप अच्छी खासी लगी है। जैसे एक JP Morgan है, मॉर्गन स्टैनली कंपनी है, और भी Uber है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो इंटर्नशिप के लिए आती है। तो आपको यहाँ पे अर्न करने का मौका आपको थर्ड सेम से ही मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कितने प्रिपेयर हैं इसके लिए। इसके लिए आपको खुद को कॉन्फिडेंस, खुद को सेल्फ प्रिपरेशन जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक खुद को प्रिपेयर नहीं बनाओगे, अगर आप चाहे IIT कॉलेज से BTech कर लो या NIT 3 से MCA कर लो, प्लेसमेंट जो है वो आपके हाथों पे है। ये NIT जो है आपको बस कंपनी को लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा, आपको एक प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे आप खुद को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, लेकिन इम्प्रूव तो आपको खुद को ही करना है। और इस बार देखा जाए तो NIT 3 का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 43 लाख, NIT के सूरतकल का जो अभी तक का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 36 लाख, बल्कि जबकि अभी बहुत सारी कंपनियाँ आनी बाकी हैं, तो एक साल अभी बाकी है, तो हो सकता है कि प्लेसमेंट्स और ऊपर जाएँ। और इस बार का NIT इलाहाबाद के देखा जाए तो वहाँ पर 39 लाख की पैकेज गई है। और जब भी आप MCA की तैयारी करो तो कोशिश करो कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके। लगभग यहाँ पे टॉप 5 NIT जो है वहाँ पे लगभग 99% प्लेसमेंट्स हैं। अब वो 1% के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि 99% है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे आते हैं तो यही सोच के छोड़ देते हैं, भाई अब तो NIT में आ गए मेरा तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम बस यहाँ पे पहुँचे हो NIMCET क्रैक करके, तुम बस अभी गेट खोले हो, गेट के अंदर जो काम है वो अभी तुम्हारा अब शुरू हुआ है। तो हमेशा कोशिश करो कि NIMCET सॉल्यूशन बताए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब NIMCET के लिए सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करें, मैं आपको सबसे पहला बात बताऊंगा। इन्होंने जो जो बुक बताए, सेल्फ स्कॉलर, यूनिवर्सल सेल्फ स्कॉलर, IID शर्मा, TMH, ML खन्ना, ये सारे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब को शुरू करने से पहले आपका सबसे पहले उस टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको उसके मतलब पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी अच्छा जो स्टूडेंट होता है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करता है, क्योंकि वो उस क्वेश्चन को समझता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला या आंसर जाना हो ये जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी है। और क्वेश्चन को आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कंसेप्ट कब क्लियर होगा, जब आप कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से प्रूफ करो, 4 बार 5 बार जैसे हो वैसे उस तरह से उसको समझने की कोशिश करो। जितने बार आप क्वेश्चन बनाओगे उतने बार आपको बनाने के नए नए तरीके दिखेंगे, और उतने बार आपका टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। सपोज करो कि आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो वो आपका 5 मिनट में बन रहा है, अगला बार बनाओगे वो 3 मिनट में बनेगा, फिर बनाओगे 2 मिनट में, फिर एक बार ऐसा समय आएगा कि आप क्वेश्चन देखोगे और आपको आंसर याद हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। और अगर आपको ऑनलाइन तो ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ मेहनत आप लोग भी कीजिए कि आपको कहाँ से वीडियो मिले। इसके लिए आगे फिर से वीडियो अपलोड किया जाएगा, लाइव सेशन किया जाएगा, तो आप खुद से पहले एक बार सर्च कीजिए
और जो यहाँ पे कमेंट है सिद्धार्थ खारे, उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ टिप्स दीजिए। भाई फर्स्ट ईयर बीसीए मैं फर्स्ट तो ईयर, यही बोलूँगा कि अगर आप बीसीए फर्स्ट ईयर हैं तो आप अगर अभी हैं तो आप अभी अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स जो भी हो टेक्निकल स्किल्स उसको आप डेवलप कीजिए, और अभी आप साइड से धीरे धीरे प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं अभी से ही करना तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं अवेलेबल, वो आप अटेंड कीजिए, आपको सिलेबस ही इन्होंने बता आपके दिया आपके है, पास टाइम है आपके एनसीईआरटी, पास टाइम बहुत अभी एफिशिएंट टाइम है कि आप उसमें अच्छे से कर सकते, अच्छे से और बेहतर भी कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करने के लिए कोई टाइम नहीं है, आप जब चाहें तब से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छा करना है तो आप अभी से ही लग जाइए। और आपको इन्होंने टॉपिक बता ही दिया है कि 12th के सारे जी में सारे एडवांस का सिलेबस अवेलेबल है, मैथ्स का सारे कंपलसरी है सिवाय 3D और कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के आप बाकी सारे टॉपिक में जितना आप पढ़ सकते हो, जहाँ से पढ़ सकते हो, जितना डीपली पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। हम लोग ने सेल्फ स्टडी करके ये सब कुछ भी किया है, इसलिए आप लोग भी सेल्फ स्टडी करके खुद से पढ़ पढ़ के आप सब चीज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई टीचर की ज़रूरत है। अगर आप लोग ये में से बहुत सारे ये भी सोच रहे हो कि भाई कोचिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, बस ज़रूरत है तो आपके डिसिप्लिन की, वो आपका टेंशन का। और जिस गाइडेंस की जब जब मेरे को लगे कि हम लोगों की ज़रूरत की किस तरह का गाइडेंस किस टाइम में देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी बहुत सारी हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी तैयारी के समय, तो हम लोग भी आपको बीच में बताते रहेंगे कि किस तरह से कौन कौन सा प्रॉब्लम किस तरह से आ सकती है और उसको कैसे हैंडल करना है। बस बस दिमाग में बस एक चीज़ बैठा के रखना है ना कि जुनूनी बन जाना है, जुनूनी कि बस एक जो चाह लिए चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं उसको, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या एमसीए ही नहीं, किसी भी चीज़ अब लाइफ के हर फील्ड में बस जुनूनी बन जाना है कि एक बार जिस जो जो चीज़ ठान लिए वो चीज़ करना ही करना है। तो बस आपके पास अभी तो मैंने सब चीज़ एग्जाम्स के बारे में बता ही दिया, अगर ऐसा ज़रूरत लगेगा तो फिर मैं और भी दूसरे तरीके से आप लोग को आई थिंक कुछ रिटेन मीडियम के हेल्प से आप लोगों को या किसी पीडीएफ ये सब के हेल्प से मैं अपलोड करवा कर आप लोगों को और भी जानकारी दे दूंगा कि इन सब चीज़ों के बारे में। और सिलेबस तो आप जान ही गए, बुक्स तो आप जान ही गए, तो बस नॉलेज गेन कीजिए बुक से जितना हो सके, मीन्स कॉन्सेप्ट को पूरा घोंट ही जाइए मीन्स, और फिर टूट पड़िए बुक्स पे, क्वेश्चन में नहीं है और हो ही जाएगा। और आपको बहुत बार ये भी लगेगा कि आप यूनिवर्सल सेफ स्कॉलर बना लिया और उसके दम पे आप निमशेट क्रैक कर सकते हैं, तो ये आप गलत फहमी मत रहिएगा। आपको यूनिवर्सल सेफ स्कॉलर तो पढ़ना ही है, वो तो आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल का जो क्वेश्चन है वो आपको RD शर्मा में मिलेगा, और RD शर्मा में एक्सरसाइज तो बनाना ही है, लेकिन इलस्ट्रेशन आपको इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल, अब इलस्ट्रेशन में सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका ये नहीं कि आप सॉल्यूशन देख के बनाइए, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, और समझ में कब आएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और तो कम से कम एक बार बुक बनाने से कुछ नहीं होगा, कम दो दो तीन बार तो बुक बनानी पड़ेगा, क्योंकि आप जितना क्या मीन्स ये सब लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शनेस उसी से आएगी, इसलिए प्रैक्टिस खूब करो। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी पढ़ने के बाद ये नहीं कि सेट थ्योरी पढ़ लिए सारे क्वेश्चन कर लिए फिर आगे ट्रिगो में चल गए, ऐसा भूल कभी मत करना। सेट थ्योरी पढ़े, ट्रिगो पढ़े, ट्रिगो आप पढ़ रही है अच्छी बात है, लेकिन आपको 1 घंटा आधा घंटा एक समय निकालना पड़ेगा कि आप सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके। आप सेट थ्योरी ट्रिगो बना लिए आगे बढ़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने लगे और सेट थ्योरी ट्रिगो को भूल गए, आपको इन सब का कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करते ही रहना होगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे मीन्स ये क्या है कि आप करंट में तो सारे टॉपिक को पढ़ते रहिए, लेकिन जो पीछे आप जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर आप भूल गए तो फिर वो आपको फिर से पिकअप करने के लिए बहुत समय लगेगा। तो बस आज आज यही के लिए इतना ही काफ़ी है, आप आगे हम लोग और भी डिटेल्स में अच्छी चीज़ें बताएंगे, जो आपको बताएंगे किस तरह से आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से अगर आप डिमोटिवेट होंगे तो आपको खुद को स्टैंड अप करना है, और खुद में सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। तो लास्ट में वीडियो अब एंड करने के समय में अब कोई कुछ तो है नहीं, तो अब लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मीन्स मेरे पापा कहते थे हमेशा इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना कि
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को मेहनत, अपने को मेहनत इतना जबरदस्त करना है कि अभी निमसेट को सोच के डर लग रहा है कि यार निमसेट एग्जाम में जाएं कैसे। तो निमसेट जब आप एग्जाम देने जाओ, इस बार एग्जाम 26 मई को हुआ था, पिछले बार आई थिंक 20 मई को, पिछले बार 2018 में हुआ था 20 मई को। हाँ, तो जब आप एग्जाम देने जाओ तो निमसेट वाला एग्जाम आपसे कहाँ पे, निमसेट वाला आपसे डरे कि ये बंदा लोग आगे एग्जाम देने, ये तो मेरा ऐसी तैसी कर देगा मेरे क्वेश्चन का। तो अभी तो आप इस तरह कौन चाहिए, अभी तो आप केवल पढ़ो, सब कॉन्सेप्ट गेन करो। जैसे जैसे होगा मैं आपको बताते भी चलूँगा कि लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ और भी मैं रिसर्च कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। आप ये सब करो, जी जान लगा के करो, और फिर आगे आगे जिस तरह की जरूरत हम लोग को समझ में आएगी, फिर उस तरह का हम लोग अपना वीडियो अपलोड करेंगे, बताते चलेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।